मुकद्दर फिल्म आई थी, उसको 2 महीना में 5 करोड़ लोगों ने देखा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का कोई एक हिंदी का गाना कोई बता दे कि हाँ कोई 2 करोड़ भी देखा है, उनसे कई गुना ज्यादा भोजपुरी का अस्तित्व है और भोजपुरी बोलने वालों की अस्तित्व है उनके साथ में, उनसे कई गुना ज्यादा भोजपुरी है और आजीवन रहेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की औकात नहीं है भोजपुरी के बारे में भाषा बोलने में, उनकी संडास निकल गई, वो ये बोले थे जिस मंच से वो बोले थे ना, जिस मंच से बोले थे सलमान खान का वो मंच है। और सलमान खान समझिए कि एक बहुत बड़ा नाम है और हम उनको बहुत मानते हैं। और सलमान खान ही दबंग जब फिल्म सिनेमा किए थे तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए वो भोजपुरी का ट्यून था और भोजपुरी की भाषा की वो फिल्म थी और उस भाषा को लेकर अपने आप को वो स्थापित किए कि भोजपुरी भाषा के जब चीज़ें चलती है तो दुनिया में फाड़ कर रख देती है। और भोजपुरी के लोग भी ऐसे ही होते हैं, हमारी पहचान हमारी खुद से है, हमारी किसी चैनल से नहीं है। उनको चैनल पे आकर, वैसे इंटरनेशनल चैनल पर आकर बोले थे, उनको नहीं बोलना चाहिए, वो अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी निजता उसी से प्रदर्शित कर दी, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक्चुअली देखिए, ये पब्लिक सिटी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने आप को ऊपर करना है कि दुनिया मुझे जाने। सिद्धार्थ मल्होत्रा को भोजपुरी में कोई औकात नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, उनको लगता होगा कि टॉयलेट है तो टॉयलेट उनके अंदर लगती होगी जो हमारी, लेकिन हमारी माँ है वो, और हम अपनी माँ को, हमारी माँ को कोई गाली दे और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी इस देश में बहुत अहमियत रखता है और हर आदमी एक से एक, जिस शहर में जाइए भोजपुरी के IPS अफसर मिलेंगे आपको, और बिहार से मिलेंगे, यूपी से मिलेंगे। इस भाषा को लेकर के कई हिंदी फिल्में जो बनी सुपरहिट हुई है। अदर भैया, इसका अदर उनकी कोई पहचान नहीं है भोजपुरी में, इसलिए उन्होंने बोला जो बोले थे वो उल्टा चल रहा है। भोजपुरी भाषा के बारे में वो ऐसा बोले थे कि भोजपुरी भाषा से उनकी गांठ फट गई। मैं एक रीजनल सिनेमा हूँ लेकिन मैं 35 करोड़ों में जाना जाता हूँ, मेरी भी पहचान जो है 35 करोड़ों में है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो सकता है मुझे 5-7 करोड़ में होगी, शायद ही उतनी भी नहीं होगी। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के औकात खेसारी के पास बैठने की नहीं है, तो भोजपुरी के लोगों की और भोजपुरी भाषा के पास तो वो इर्द गिर्द नहीं बैठ सकते। और खेसारी की ऊर्जा में सिद्धार्थ मल्होत्रा कहीं नहीं है, 24 घंटा नहीं 72 घंटा खेसारी लाल और भोजपुरी के लोग काम करते हैं, क्योंकि माँ के दूध पिए हैं और अपने माँ के मिट्टी, जिस मिट्टी के बारे में उन्होंने बोला है उसी मिट्टी के अन्न आता है जब यहाँ पे, क्योंकि उनके धरती पे कभी अन्न नहीं उगाया जाता है, हमारी मिट्टी पे उगाया जाता है। और उसी मिट्टी के गेहूं और चावल खाकर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आप को स्थापित किए हैं और जवान हुए हैं, तो उस मिट्टी का कम से कम उनको कदर करना चाहिए। वो बोलते जो भी बोलना है, अब ऐसी शब्द वो बोले थे मैं सुना तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे किसी ने भेजा, और मनोज भैया को दिल से थैंक यू, लव यू मनोज भैया, जब मनोज भैया ने FIR किया, अगर बस चले तो हम पूरी भोजपुरी FIR कर देनी चाहिए, अगर वो सॉरी नहीं बोले तो मेरा भी FIR गया होता, उनको FIR होता है ना। हाँ। अब बताइए वो इंग्लिश बहुत बोलते होंगे लेकिन उनकी 5 करोड़ कोई नहीं देखता है, लेकिन खेसारी के 2 महीने में 5 करोड़ लोग देख लेते हैं। हम स्टेज शो करते हैं तो हमारी 6-6 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के व्यूवर्स है, तो उनको देखना चाहिए एक बार भोजपुरी के लोगों को, जो भोजपुरी मेहनत कैसे करती है, भोजपुरी मिट्टी के लड़के कैसे होते हैं। Planet Bhojpuri.